नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मathgyanbysk के चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 11 से गुणा करने की आसान ट्रिक। तो इस ट्रिक में हम देखेंगे किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुणा करते हैं कुछ ही सेकंडों में। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं बता दूँ आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करें इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये वीडियो है 11 से गुणा करने की ट्रिक। तो इसमें क्या करते हैं, किसी भी संख्या को, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, एक संख्या ले रहा हूँ मैं एग्जांपल के लिए, 21 लिया है मैंने और उसको 11 से गुणा करना है। 21 को हमें क्या, किस से गुणा करना है, 11 से। तो हम क्या करते हैं इस ट्रिक में, 21 में एक का एक लिख देते हैं और एक और दो तीन और दो का दो, इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाता है 231। तो दोस्तों, इस ट्रिक में हमें कोई ज़रूरी नहीं है कि 11 की टेबल आनी चाहिए, तो ये 11 की टेबल कोई नेसेसरी नहीं है इसमें। ट्रिक में हम बिना टेबल करते हैं और कुछ ही सेकंडों में। तो अगला एग्जांपल और देखते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा है 63 गुणा 11, 63 को 11 से गुणा करना है। तो क्या करते हैं इसमें, उस वो वाला ही तरीका करेंगे, 3 का 3 लिख देते हैं, फिर 3 और 6 9 और 6 का 6, इस प्रकार हमारे उत्तर आ जाते हैं 693। तो दोस्तों, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा है 426 गुणा 11। तो अभी इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 6 का 6 लिख दिया, 6 का 6 लिख देते हैं हम, और 6 और 2 8 और 2 और 4 6 और 4 का 4, तो हमारे उत्तर क्या आ जाते हैं 4686। अब दोस्तों, मैं आपको इससे बड़ी और संख्या, जैसे 4 अंकों की हो तो कैसे करेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिखा है 6732, इसको करना है 11 से। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 2 का 2 लिख देंगे और 2 और 3 5, 3 और 7 10 होता है, उसकी 0 आ जाएगी असल 1। तो असल 1 7 और 6 13, 13 और 1 असल जोड़ के क्या हो 14, 14 का 4 असल 1, 6 का 6 आता है लेकिन इसमें एक असल और जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा 7। तो इस प्रकार हमारे उत्तर आ जाते हैं 74052। तो दोस्तों, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है 62 गुणा 33। तो दोस्तों, इसमें हमें 11 नहीं है तो हमें इसको 11 के रूप में बनाएंगे 33 को। कैसे बनाएंगे, जैसे 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 11। तो 3 गुणा 11 है तो गुणा करना है, तो 3 से इसे पहले गुणा कर देंगे, तो 62 को पहले 3 से गुणा करते हैं, ये आता है 18 और 6 गुणा 11, इस प्रकार लिख सकते हैं हम ऊपर वाली संख्या को। 3 से गुणा कर दिया, 3 दून 6 और 3 छिंग 18। अब हम 11 से गुणा कर सकते हैं, 11 का हमें ट्रिक पता है। तो क्या करते हैं इसमें, 6 का 6 लिख देते हैं, 6 का 6 लिख देते हैं, 6 और 8 14 का 4 असल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 असल जुड़ी तो 0, 10 की 0 असल 1 और ये क्या हो गया 2, इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाता है 2046। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम, वो बैंक के एग्ज़ाम हुआ, या कुछ SSC के एग्ज़ाम में भी आपको ये ट्रिक बहुत हेल्प करती है। तो दोस्तों, ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट करें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से एक बार इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।